सर नमस्कार। देखिए हाई वेल डबर कंपनी का पेच पैकिंग, अब ये 35 नंबर का बॉक्स हमने लिया और यह गवर्नमेंट रजिस्टर्ड भी है। इसकी क्वालिटी हैवी क्वालिटी होती है, ISO कंपनी सर्टिफाइड पेच है ये। इसमें लोकल कंपनियों की तरह 10 पेच नहीं भरे गए हैं, 5 पेच का बॉक्स है। इसको खोल के मैं दिखाता हूँ, आप थोड़ा और देखिएगा, इधर भी सामने देखने के ऊपर ये आ जाता है। इसका क्वांटिटी 5 पेज इसमें है और इसमें दो प्रकार की क्वालिटी बनती है, एक्स्ट्रा HD और एक नॉर्मल। तो नॉर्मल में तो सभी कंपनियों की तरह नॉर्मल रहता है, ये एक्स्ट्रा HD में होता है। इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा पेमेंट के ऊपर फ़र्क होता है। इसको बॉक्स को दूसरी तरफ से देखें तो इसके ऊपर भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं पूरी, कि यहाँ सभी चीज़ जैसे बेस क्वांटिटी, ये इसकी बॉक्स की जो प्राइस है, ये प्राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो एड्रेस है हमारा वो भी इसमें दिया गया है। और कस्टमर की सुविधा के लिए इसके अंदर ये चार्ट भी दिया गया है कि कितने नंबर कट के ऊपर, कितने बड़े साइज़ के कट के ऊपर कौन सा पेच लगाना चाहिए, इसमें थोड़ी मदद दी गई है। बाकी ये एक मदद पूरे अच्छे तरीके से बहुत बड़ी नहीं दी जा सकती थी इसके ऊपर, क्योंकि इसकी नॉलेज वैसे भी मैकेनिक को अपने तरीके से होती है, वो अपने हिसाब से गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी उस हिसाब से देख करके अपने आप से तैयार कर लेता है, उस हिसाब से वो लगा लेता है, अपने मैनेजिंग के हिसाब से लगा लेता है। अब देखते हैं इसका ये साइड, तो इसको बॉक्स पे साफ लिख रखा है, फ्लेक्सिबल है विथ स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में, बेस्ट परफॉर्मेंस इन लोडिंग व्हीकल, लॉन्ग लाइफ विथ गारंटेड क्वालिटी। इसमें ये बार कोड ये ऑफिस के लिए है, बिल बनाने के लिए जो सुविधा होती है फास्ट, जो स्पेशली मॉल्स वगैरह के अंदर रहती है, एक सेकंड में स्कैन से करके और रेट ले लिया जाता है और टाइम नहीं लगता उसमें। इधर से देखा जाए तो ये QR कोड होता है, ये QR कोड के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। ये ओरिजिनल पेज के बारे में, गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करने के बारे में, हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको आजकल का जो कस्टमर है वो भी इसको देख करके सेटिस्फाई होना चाहता है और वे देखता है कि इसकी रेट क्या है, ये लोकल तो नहीं है। लोकल जो चीज़ होती है उसके ऊपर या तो ये नकली वकली दिए होंगे या होते ही नहीं हैं। ओरिजिनल के ऊपर क्या होता है कि कस्टमर इसको QR कोड स्कैनर से स्कैन करके पता लगा सकता है कि वह जेनुइन है या नहीं। थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाना चाहेंगे आपको किस प्रकार से इसको चेक किया जा सकता है और कस्टमर किस प्रकार से इसको चेक कर सकता है और क्या क्या चेक कर सकता है वह देख सकता है। थोड़ा सा दिखाना युवराज यहाँ से, हम एक दूसरा फ़ोन लेते हैं जिससे कि वीडियो बन सके और मैं थोड़ा इसको दूर करता हूँ। और इसमें एक QR कोड स्कैन होता है, जो मान लो किसी के पास नहीं भी हो तो प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर सकता है, जो QR कोड इस प्रकार का होता है, जैसे ये वाला जिसको हम दबाएंगे ये, और इसको क्लिक करने के बाद इसमें इस प्रकार का मोबाइल पर जो आता है और मोबाइल को अपन इस प्रकार से सेट करते हैं उस QR कोड के ऊपर। नीचे बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर ये रखा और ये रखते ये चीज़ इसमें आ गई, ये आ गई और ये आ गया। अब इसमें पूरा विवरण आया, हाई वेल रबर कंपनी पेच है, जो साइज आ गया इसका, क्वांटिटी आ गई कि 5 पीस है, MRP आ गई और सर इसका सर्टिफाइड भी आ गया NISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, हाई वेल रबर कंपनी इंडिया, और ये केयर नंबर भी इसमें आए। यदि कोई कस्टमर इसमें चाहे कि वेबसाइट पे जाकर के वो इससे अधिक कुछ देखना चाहेगा, जानकारी चाहेगा, तो वह भी हो सकेगा। देखिएगा जैसे हम लिंक पे दे रहे हैं आपको, हाँ तो ये खुल गई है वेबसाइट। अब इसमें प्रोडक्ट नज़र आ जाता है, प्रोडक्ट को देखने के बाद इसमें इसका सर्टिफाइड मान लो देखना होता है तो कस्टमर वो भी देखना चाहेगा, इन चीज़ों को वेबसाइट में अंदर जा कर के वो देख सकता है। इसके अंदर जैसे देखिए रीड मोर, यहाँ से भी करके वो देख सकता है,
लोकेशन को भी वो समझ सकता है, लोकेशन भी इसमें दी गई है जयपुर राजस्थान पूरा। और इसमें मोबाइल नंबर भी हमारा एक जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नंबर, और इसकी जीमेल वो भी इसमें दी गई है, और वेबसाइट का लिंक भी इसमें दिया गया है, और क्विक इंक्वायरी किसी की हो तो वो भी है इसके अंदर डाली हुई है। और अब इसका थोड़ा देखना चाहेंगे हम कि यह सर्टिफाइड कहाँ से और कैसे है और क्या सर्टिफाइड है, तो इसके बारे में देखिएगा। ये इधर वाली सभी चीज़ें जो दी गई हैं, होम पे दिया गया है, अबाउट अस दिया गया है, हमारे बारे में जानकारी होगी इस पर, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की जानकारी आ जाएगी, और सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफिकेट आ जाएंगे। तो ओरिजिनल के लिए सर्टिफिकेट होगा, और सर्टिफिकेट को हम क्लिक करते हैं और सर्टिफिकेट खुल जाता है। ये इसके सर्टिफिकेट आ जाते हैं। वर्ल्ड लेवल की जो संस्था है दुबई से, उसकी हेड ब्रांच दिल्ली, और दिल्ली से ISO सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन मिला कंपनी को। नीचे इसका ट्रेडमार्क जो भारतीय गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसको देखा और समझा जा सकता है आराम से। और नीचे उद्योग आधार, ये तो नॉर्मली चीज़ होती है, बाकी ये गवर्नमेंट के हिसाब से लीगल होती है, और व्यावसायिक चीज़ें दूसरी चीज़ें वो अलग हैं ही है। अब और इस प्रकार से कस्टमर इसको चेक कर सकता है, और इसको चेक करने का इसमें वह यह भी चेक कर सकता है इसकी इसकी प्राइसेस क्या आती है। तो प्राइस के बारे में तो मैं सॉरी बता चुका आपको कि उसके अंदर 625 वो इतना प्राइस आया था, तो वो सभी कंपनियों का ऐसे होता है। और इसमें होता है देखिए, ये इस तरफ से ये रहता है, और इसमें 100% गारंटी के साथ में ये होता है। गारंटी का मतलब सही तरीके से पैच लगाया हो, सिस्टम से लगाया गया हो, टायर की घिसाई करके ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ में उसको लगा करके, और या तो तुरंत फिट कर दी गई हो, ट्यूब एयर डाल के उसको चलाने के लिए फिट कर दिया गया हो, टायर चल जाए तो टायर पेच पक जाता है, फिर टायर के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आती, या फिर रमोंड के अंदर, या फिर जो बोलते हैं अपन मशीन, तो उसके अंदर भी ये अपने हिट पे जा करके शानदार पक जाता है, और चाहे चले वो टायर 200 साल, कोई दिक्कत नहीं होती, ये क्रैक नहीं होता, तड़कता नहीं, ख़राब नहीं होता, इस पेच की क्वालिटी यह होती है। और इस प्रकार से हमने ये आपको अंदर से और दिखाते हैं, कोशिश करता हूँ मैं अंदर का और दिखाया जाए, हमारे पैकिंग क्वालिटी किस प्रकार से है। इस प्रकार से बॉक्स को खोलने के बाद ये पैच निकलता है, और पैच में सेफ्टी के लिए यदि खुला भी पड़ा रहे और किसी लोकल मैकेनिक को भी दिया जाए, और वो एक एक पीस एक दो पीस ले जाके डाल भी दे अपनी थड़ी में, दुकान में खुला भी डाल दे, तो वह ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक अच्छी क्वालिटी की पोलोथीन इसमें दी गई है, और अच्छी क्वालिटी की पोलोथीन को पूरा सीलेट किया गया है कि एयर इसके अंदर नहीं जाएगी, बस इसको धूप से बचा के रखना होता है। और धूप से बचाने के लिए ये पैकिंग जो डिब्बे की पर्याप्त पैकिंग है, अच्छी पैकिंग, मजबूत पैकिंग होती है ये, इसके अंदर अंधेरा ही होता है तो रोशनी भी नहीं जाती, हमेशा पेच का जो सोल्यूशन है वह रोशनी से, धूप से और हवा से, इनसे ही ख़राब होता है, और इनसे बचाना होता है, और हवा से बचाने के लिए इसकी जो ये पैकिंग है ये अच्छी क्वालिटी की है, और ये सील्ड है बिल्कुल। अब इसके बैक साइड में, प्रत्येक पेच के बैक साइड में कुछ हमने अट्रैक्शन भी दिया हुआ है, कुछ सावधानी भी है इसके अंदर, और कुछ जानकारी भी है इसके अंदर, वो भी आप आराम से देख सकते हैं। आप इस वीडियो में भी इसको आराम से देख सकते हैं, इसको यहाँ रोक करके आप देख सकते हैं। तो यह प्रत्येक पेच के साथ में लगा होता है, ऐसे इसके अंदर पेच, 5 पेच का बॉक्स है, और 5 पेच इसमें होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।